नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं उरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व भारती दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा, नई शिक्षा नीति में अनुसंधान और नवाचार पर जोर, विद्यार्थियों से विविधता में एकता की भावना बनाए रखने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को मजबूत करने और भर्ती प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए बोर्ड के सदस्यों और अधिकारियों के साथ की बैठक। मुख्यमंत्री ने बोर्ड से वार्षिक कैलेंडर जारी करने और प्रत्येक महीने एक भर्ती परीक्षा आयोजित करने का किया आग्रह। सब जूनियर एंड जूनियर स्टेट रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट ईटानगर स्थित एमएलए कॉटेज इंडोर बैडमिंटन हॉल में शुरू। प्रतियोगिता में राज्यभर के 213 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा और विभिन्न कैटेगरी में खेले जाएंगे 189 मैच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है और इससे अनुसंधान और नवाचार को मजबूती मिली है। आज वर्चुअल माध्यम से पश्चिम बंगाल में विश्व भारती के दीक्षांत समारोह में श्री मोदी ने कहा कि ज्ञान और शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। उन्होंने विद्यार्थियों से विविधता में एकता की भावना को बनाए रखने का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव के लिए विश्व भारती केवल ज्ञान का केंद्र नहीं था, बल्कि भारतीय संस्कृति के परम लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास था। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और विश्व भारती के रेक्टर जगदीप धनखंड और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद थे। इस समारोह में 2535 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। विश्व भारती की स्थापना गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1921 में की थी। यह देश का प्राचीनतम केंद्रीय विश्वविद्यालय है। विश्व भारती को सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के रूप में देखना चाहते हैं तो वो इसको ग्लोबल यूनिवर्सिटी या कोई और नाम दे सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे विश्व भारती विश्वविद्यालय नाम दिया। उन्होंने कहा था, विश्व भारती एक्नॉलेजेस इंडियाज ऑब्लिगेशन टू ऑफर टू अदर्स द हॉस्पिटैलिटी of our base culture and India's right to accept from others their best. गुरुदेव की विश्व भारती से अपेक्षा थी कि यहां जो सीखने आएगा वो पूरी दुनिया को भारत और भारतीयता की दृष्टि से देखेगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को मजबूत करने और भर्ती प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए बोर्ड के सदस्य और अधिकारियों के साथ कल राज्य सचिवालय में बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में प्रतिभा के आधार पर पारदर्शिता से सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए APSSB का गठन सबसे बड़ा सुधार है। श्री खांडू ने कहा कि बोर्ड द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को बिना ITI दाखिल किए हुए पूरी जानकारी दी जाती है। मुख्यमंत्री ने अरुणाचल सरकार के ग्रुप सी या सबॉर्डिनेट सर्विस में रिक्त पदों पर भर्ती परीक्षा का वार्षिक कैलेंडर जारी करने को कहा। मुख्यमंत्री ने बोर्ड से प्रत्येक महीने एक भर्ती परीक्षा आयोजित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने बोर्ड को पर्याप्त संख्या में कर्मियों और सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। आगामी 25 फरवरी से शुरू हो रहे राज्य विधानसभा के बजट सत्र के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। विधानसभा के अध्यक्ष पासांग दोर्जी सोना ने बताया कि इस बार का बजट सत्र पेपरलेस होगा और COVID-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देशों के अनुसार विधानसभा में सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। श्री सोना ने कहा कि सभी विधानसभा सदस्यों को बजट सत्र में अपनी बात रखने का पूरा मौका मिले, इसे ध्यान में रखते हुए सत्र को लंबा रखा गया है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र का शुभारंभ राज्यपाल के अभिभाषण से होगा और बजट प्रावधानों की जानकारी राज्य विधानसभा के पोर्टल पर उपलब्ध होगा। इस बार का जो बजट सेशन है को 25 फरवरी से समन किया है, तो इनिशियली हम लोग 25 से 12 मार्च तक
तो आज हमारा बीएससी हुआ है, तो बीएससी में हमने ये कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा समय मेंबर्स लोग को मिले, इसलिए काफ़ी लंबा रखा है। तो हो सकता है शायद अभी बीएससी का फाइनल होगा 9 तारीख तक हम बजट सेशन को ख़त्म करेंगे, और इसमें बिल्स है, 2-3 नया बिल्स है, तो खास करके सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर में एक बिल है, बाकी और एक इम्पॉर्टेंट है जो अमेंडमेंट्स कुछ कुछ आया हुआ है वो तो आपको पता चल जाएगा, और जो एक इम्पॉर्टेंट सबसे इम्पॉर्टेंट जो सरकार ने इस बार किया है कि जितने भी रेडंडेंट ऑब्सोलीट एक्ट्स हैं जिसका कोई वर्षों से कोई काम नहीं है, तो ये लोग ऐसे पड़ा हुआ है तो उसको रिपील करेंगे इस बार, तो इससे काफ़ी मतलब जो पुराना जो एक्ट्स पड़ा हुआ है जो उसका कोई काम नहीं वो हट जाएगा, नहीं तो कभी क्या होता है कि वो एक्ट पड़ा रहता है कभी उसकी वजह से काफ़ी परेशानी भी होता है। असेंबली जो हमारा गोल है जो ई विधान का है कि हम इसको जा रहा है कि पेपरलेस असेंबली बनाएंगे, तो उसका ऑलरेडी प्रोसेस तो शुरू हो चुका है, पिछला 2 सेशन में भी हमने किया है, बट येट लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन। तो अभी इस बार हमने यही बोला है कि जो हमारे जितने भी पेपर्स में जितने क्वेश्चंस आ रहा है, बुलेटिन छप रहा है, कोई पेपर में नहीं होगा, इट विल बी ऑल ऑन सॉफ्ट। इसके बाद हमारा बजट प्रेजेंटेशन भी होगा, हम जो बजट के बुकलेट ये बांट रहा हूँ बुकलेट भी नहीं होगा, इट विल बी ऑन सॉफ्ट। हमारा जो इन हाउस जो आपका हर ये मेंबर्स के लिए एक एक आपका ये है मॉनिटर है उसमें आ जाएगा, प्लस उसके अपना एप्लीकेशंस में भी आ जाएगा, सीधे आपका स्मार्टफोन में आपका एप्लीकेशंस में सारा कुछ आ जाएगा, यू कैन एक्सेस इट एनी वेयर फ्रॉम एनी प्लेस। जैसे मैं बोला रास्ते में चलते चलते आप गाड़ी में भी आप एक्सेस कर सकते हो हर चीज़ का, क्या बुलेटिन, क्या एजेंडा आ रहा है, क्या बिल्स है, आप आराम से अपना मोबाइल पे भी देख सकते हैं, और सिस्टम आपका है असेंबली सेशन में उसमें भी आप आराम से देख सकते हो, तो उससे एफिशिएंसी बढ़ेगा और एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ेगा, और पेपरलेस का और हम जाएंगे तो एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट भी कम पड़ेगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य की पाठ्य पुस्तकों में अरुणाचल प्रदेश के इतिहास और संस्कृति को शामिल करने पर जोर दिया है ताकि छात्र राज्य के ऐतिहासिक पहलुओं को सीखते हुए बड़े हो। ईटानगर में भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन महंतो पांगिन द्वारा लिखी गई पुस्तक फ्लाइट्स ऑफ फैंटेसी हीरोज ऑफ 1962 इंडो चाइना वार अबू तानीज स्पीकिंग ट्री एंड अदर आर्टिकल्स का विमोचन करते हुए कहा कि ज्यादातर लोगों को राज्य के इतिहास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की जानकारी नहीं है। श्री खांडू ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता युवा पीढ़ी को अपने राज्य के सांस्कृतिक विरासत के बारे में शिक्षित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग को प्राइमरी लेवल की पुस्तकों में राज्य से जुड़े इस महत्वपूर्ण अध्याय को शामिल करने का निर्देश दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने आज मिशन इंद्रधनुष 3.0 के तहत टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम 22 फरवरी से शुरू होगा और यह 15 दिन तक चलेगा। कार्यक्रम का दूसरा चरण 22 मार्च से शुरू होगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभियान में शामिल सभी मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों को धन्यवाद दिया और कहा कि हमें 100% टीकाकरण का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और वित्त आयोग ने भी पूरा अध्याय स्वास्थ्य के लिए समर्पित किया है। आज के इस अवसर पर जब हम इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 को लॉन्च कर रहे हैं और इनफैक्ट लॉन्च कर दिया है, तो इस अवसर पर मैं देश की सभी माताओं को और सभी बच्चों को, छोटे बच्चों को विशेष रूप से हृदय से बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस मिशन के लॉन्च पर उनको बधाई देता हूं। देश ने केवल एक महीने में 1 करोड़ से अधिक लोगों का कोविड टीकाकरण करके रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 24 घंटे में 6,58,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.3% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरान 10,896 लोग कोविड से स्वस्थ हुए और कोरोना संक्रमण के 13,193 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 97 मौतें होने के साथ ही इस संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या
56,111 हो गई है। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 3 नए मामले सामने आए और एक रोगी स्वस्थ हुआ। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है और कोविड रिकवरी दर घटकर 99.63% हो गई है। राज्य भर में कल कोविड जाँच के लिए 532 सैंपल एकत्र किए गए। आदि बाने केबांग आदि छात्र संघ और कई अन्य संगठनों ने देपी देपी मोली और देताक का ईस्ट सियांग जिले में शामिल करने से संबंधित फाइनल नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर आज ईस्ट सियांग जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना दिया। स्थानीय संगठनों का कहना है कि इस मामले में अभी तक अधिसूचना जारी नहीं होने से इस क्षेत्र के लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। रामले बांगो आदि पीपल्स फोरम के अध्यक्ष तामत गोमो ने देपी देपी मोली और देता को ईस्ट सियांग जिले में शामिल कर जल्द ही कोरांग सर्कल पर निर्णय करने का प्रशासन से अनुरोध किया है। गवर्नमेंट ने डिसीजन दिया था कि जो हमारा ईस्ट सियांग में हमारा देपी देपी मोली देता ये तो इधर ही रहेंगे और जो सिदो कोरांग उसको भी स्टेटस को में रख के उसका जल्दी ही शीघ्र ही इसका फैसला आएंगे ऐसे हम लोगों को बताया गया था। तब से लेके आज तक इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ, इसका कोई भी पहल नहीं किया गवर्नमेंट ने। इसमें हमारा डिमांड है कि जल्दी से जल्द पब्लिक हियरिंग हो और वो भी जो हमारा मासेस है जनरल मासेस को पूछे और जो यहाँ के जो जमीन के मालिक है मालिकों को भी उसमें एक पार्टी बनाना है और उनको पूछना है कि हाँ ये जमीन किसका है। तो जमीन का मालिक को पूछे बगैर अगर कोई भी डिसीजन लेता है वो बहुत नाजायज होगा, ये हमारा मांग है। मैरिज रजिस्ट्रेशन पर ओजू मिशन नाहरलगन में आज एक दिवसीय शिविर लगाया गया। अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सहयोग से आयोजित फ्री लीगल काउंसलिंग में APSLSA की कानूनी सलाहकार राखनू कोन्या ने विवाहित जोड़ों को जरूरी परामर्श दिया। इस अवसर पर ओजू मिशन की प्रमुख रतन आन्या ने बताया कि विवाह का रजिस्ट्रेशन नहीं होने से महिलाओं को भविष्य में अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अरुणाचल वुमेन हेल्पलाइन में हमें इस तरह के बहुत सारा केसेस मिलते हैं कि जो लीगली जिनका पास लीगल मैरिज का कोई ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है तो उसके हिसाब से मतलब अगर लीगल मैरिज उनके पास होंगे तो उनका जो भी लीगल राइट्स होता है वो हम लोग एसेस कर पाएंगे। तो इस तरह का प्रॉब्लम्स बहुत सारा आते हैं बोल के हमने सोचा कि क्यों ना हम ये जो जिनका लीगली मतलब रजिस्टर नहीं किया है हम उनको करा दे ताकि उनके लिए आगे अच्छा हो। क्योंकि एक औरत को भी अगर पति मर जाए तो कभी कभी इस तरह के होते हैं कि उनका जो पति का जो फैमिली होता है एक्सेप्ट नहीं करता है और बच्चा को भी उनका जो राइट्स होता है वो देने के लिए वो नहीं मांगता है। तो अगर लीगली मैरिज होंगे तो इस तरह का प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो इसलिए हम लोग ये आज ऑर्गेनाइज किया है। तो ये टोटली फ्री है और अगर आप प्राइवेट एडवोकेट से खुद कराएंगे तो आई थिंक 20 to 30,000 के मतलब एक्सपेंडिचर आएंगे, बट ये टोटली फ्री है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की अरुणाचल प्रदेश इकाई द्वारा कल नामसाई नगरीय क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया गया। ग्रीन एंड क्लीन अरुणाचल के महत्व पर जन जागरूकता के लिए आयोजित स्वच्छता अभियान के दौरान BJYM के कार्यकर्ताओं ने नगरीय क्षेत्र में इधर उधर पड़े कूड़े को एकत्र कर उसका निपटारा किया। राज्य के प्रतिभावान बैडमिंटन खिलाड़ियों की कम उम्र में ही पहचान के लिए सब जूनियर एंड जूनियर स्टेट रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से ईटानगर स्थित MLA कॉटेज इंडोर बैडमिंटन हॉल में शुरू हो गई है। इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में राज्य के खेल और युवा मामलों के सचिव अनिरुद्ध सिंह, अरुणाचल स्टेट बैडमिंटन संघ के मानद सचिव बामांग तागो सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस प्रतियोगिता में राज्य भर के 213 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। बैडमिंटन प्रतियोगिता में विभिन्न कैटेगरी में 189 मैच खेले जाएंगे। विद द इंटेंट टू रीच आउट विद एन आई द ओलंपिक 2028 वी हैव अ प्रोग्राम कॉल्ड कैच देम यंग
through them we identified the various districts, from different districts, identifying the players and bring them here together. In a three tournament, those who secure highest mark will be representing the state in the zonal and national and international tournament. More than 200 odd participants are here. Equal number of parents are here to support and to encourage their children. This is a very heartening sight. तो मैं सभी मेरा जितना भी अरुणाचल में अरुणाचल वासियों को मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि जितना भी हमारे बच्चे हैं जहाँ पे इंटरेस्ट है हम उसको पापुम पारे ने तादो खोली इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया है। राजीव गांधी विश्वविद्यालय रोनो हिल्स ईटानगर ग्राउंड में खेले गए फाइनल मैच में पापुम पारे ने ईटानगर को 3 रनों से पराजित किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पापुम पारे जिले की टीम ने ईटानगर को जीत के लिए 146 रनों का लक्ष्य दिया था। इसके जवाब में ईटानगर की टीम 37.4 ओवर में 142 रन पर ऑल आउट हो गई। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को माने। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD News अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।